खंड क के 50 प्रश्नों की सीरीज में जीएसजी के करंट अवेयरनेस की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर यह सीरीज इलर्निंग विद दुर्गेश के फेसबुक पेज और यूट्यूब पर प्रत्येक रात 9:30 बजे निःशुल्क देश हित में राष्ट्रहित में आपके लिए उपलब्ध है, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, क्योंकि अगर आपको सरकारी नौकरी करनी है तो आप ये देखिएगा इस 50 में आपके कितने सही हुए या 50 में आपने कितने सही किए। तो बिना देरी के इस क्लास में जुड़ जाइएगा, क्योंकि यह क्लास आपके जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, कह रहा है कि विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम इसमें से क्या है। जी हाँ, अगर यहाँ पे देखा जाए घटते हुए क्रम में, तो सबसे ज्यादा जल धारण कौन करेगी? पहले तो आपका क्ले करेगी, क्या करती है? क्ले। फिर उसके बाद आपका स्लेट, फिर उसके बाद सैंड। सैंड माने बालू। क्ले का मतलब होता है मृतिका, क्ले का मतलब होता है मृतिका, क्ले का मतलब होता है मृतिका। सिफ्ट का मतलब होता है गाछ और बालू, माने मृतिका मृतिका है, गाद है, बालू। मतलब इस प्रश्न का सही विकल्प जो होगा ए इसका राइट आंसर होगा, ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हारमोन्स की जल संधि पाई जाती है, ये सिलेक्शन वाले प्रश्न है, ये प्रश्न नहीं है जो आप इसका उत्तर आपने यूं देखा और यूं बता दिया। जी हाँ, अगर आपको वीडियो साफ नहीं दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी आप बढ़ा लीजिएगा, एचडी में करके देखिए। जल्दी जल्दी कमेंट करके जवाब दीजिएगा सभी साथी, सभी लोग एकदम एचडी में चल रहा है क्लास आपकी। ये इस प्रश्न का होगा हारमोन्स जल संधि कहाँ पर है, जल्दी जल्दी कमेंट कर बताइएगा। फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच। जी हाँ, इस प्रश्न का सही जवाब बी होगा, हारमोन्स जल संधि फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के मध्य स्थित है। आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न के लिए, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। जी हाँ, इसलिए शेयर मत करिएगा कि आप शेयर कर देंगे तो आपके पैसे कट जाएंगे, किसी के माँ बाप उम्मीदों को पूरा करने के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 3 आपको साथ दिख रहा होगा। यहाँ पर मिलान करना है, कौन सा युग्म सुमेलित है, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, कमेंट करने के दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। यहाँ पर लेबनान की जो राजधानी है वो क्या है आपकी? बीरूत है। क्या है? लेबनान की राजधानी बीरूत है। लेकिन साइप्रस जो है की राजधानी क्या है? निकोसिया है। साइप्रस की राजधानी क्या है? निकोसिया है। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये रट लीजिए, ये बार बार पूछता है, तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा है। यूक्रेन की राजधानी क्यों है? लेकिन बगदाद की जो राजधानी है, बगदाद क्या है? इराक की राजधानी है। किसकी? इराक की राजधानी बगदाद है। ठीक, अस्ख्यात या असगाद, ये तुर्कमेनिस्तान की राजधानी किसकी है? तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। ठीक, इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा? बी राइट आंसर। सोचिए यहां से कितने प्रश्न हुआ, यहां कितने प्रश्न हुआ, जो साइप्रस है वो का निकोसिया राजधानी है, लेबनान की बीरूत, तुर्की अंकारा, यूक्रेन का क्यू, और इराक की राजधानी बगदाद, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अस्खाबाद अथवा असगाबाद, ये दोनों इसके लिए है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है, कितना समय लगता है? जल्दी से कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा सभी साथी। देखिए यहां पर इस प्रश्न का उत्तर अगर हम देखें प्रश्न नंबर 4 का, तो होगा 25 करोड़ वर्ष। जी हां, गैलेक्टिक केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर 230 किलोमीटर प्रति सेकंड की औसत गति के कारण सूर्य को आकाशगंगा केंद्र की एक परिक्रमा पूरी करने में 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। परिक्रमा की यह अवधि ब्रह्मांड वर्ष कहलाती है, या इसे हम कॉस्मिक ईयर कहते हैं, इसे हम कॉस्मिक ईयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, थोड़ा सा तेजी से हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि अब की बार एक सीट हमारा। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है? कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा सभी साथी। देखिए प्रश्न नंबर 5 का जवाब क्या होगा, सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा,
जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं चाहे यूट्यूब पर चाहे फेसबुक पर, सभी के जवाब आने चाहिए। ये मानिए परीक्षा हाल में बैठे हैं, आपके सामने 50 प्रश्न का खंड सेक्शन क है। जी हाँ, यहाँ पे गंगा नदी से हुगली नदी, माने इस प्रश्न का अगर जवाब देखा जाए तो यह प्रयागराज से हल्दिया तक है। कहाँ से? प्रयागराज से हल्दिया तक है। कहाँ से है? प्रयागराज से हल्दिया तक। यह भारत का सबसे बड़ा जलमार्ग है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी का राइट आंसर होगा, डी प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज किसी दिक्कत को समस्या हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला सवाल आपके बीच शायद आपको दिख रहा होगा, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, जो भी वीडियो को देख रहे हैं जहां भी आप देख रहे हैं जल्दी से कमेंट कर बताइए। ये मानी परीक्षा हाल में बैठे हैं। चलिए, यहां पर होगा आपका सही जवाब, आप लोगों ने बताया है प्रश्न नंबर 6 का, कानपुर होगा। अगला है, भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? दो राज्य कौन कौन से हैं? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं बताइए कमेंट करके। मध्य प्रदेश और उड़ीसा। क्या होगा? मध्य प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है, यहां पे सबसे पहले कौन आता है? उड़ीसा आता है, फिर मध्य प्रदेश, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल आता है। ठीक है, पहले पर उड़ीसा है और दूसरे पर मध्य प्रदेश है, तीसरे पर बिहार, चौथे पर पश्चिम बंगाल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? यह नकारात्मक प्रश्न है, तीन है और एक नहीं है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि अगर परीक्षा में ऐसे प्रश्न आएंगे कौन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, उस दशा में आप इन प्रश्नों का जवाब क्या देंगे? जल्दी से कमेंट कर बताइए सभी साथी। प्रश्न नंबर 8 का जवाब क्या होगा? देखिए, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, फिर प्रवर्तन निदेशालय 1956, लेकिन यहां पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985 दिया है, तो इसका उत्तर क्या होगा? यह 1988 में था, 1988। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जो गलत है वही आपका सही होगा, 1985 में गैप आया था। क्या था? गैप। ठीक, गंगा नदी। हाँ, अगला है, जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न नंबर 9 का जवाब क्या होगा? थोड़ा जल्दी बताइएगा क्योंकि आपकी संख्या कम है, इसलिए मैं थोड़ा तेजी से खत्म करूंगा। यहां पर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 233 होगा, क्योंकि भारतीय संविधान भाग 6 में है। अध्याय की बात करेंगे तो अध्याय भी 6 है, जहां पर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 233 में वर्णित है या वर्णन किया गया है। अगला सवाल करंट के हैं, शायद आपको दिख रहे होंगे, जो भी साथी देख रहे वीडियो को। 80 AGS शब्द का अर्थ क्या होगा? बताइए जल्दी से। यहां पर होगा एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, मतलब यहां पर होगा यह एक आर्टिलरी गन है जिसे DRDO द्वारा अभी कल्याणी ग्रुप और टाटा पावर सेंट के भारत फोर्ट के साधारी से विकसित किया गया है। ठीक है, अगला है 11, रिपोर्टिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? रिपोर्टिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ये हैं प्रेम प्रकाश। कौन होंगे?
प्रेम प्रकाश है। यह 20 दिसंबर 2020 को विदेश मंत्री, ठीक है, ये प्रेम प्रकाश ने लिखा था, जयशंकर ने जारी किया था। ध्यान दीजिएगा, दोनों प्रश्न में अंतर आपको पता होना चाहिए। प्रेम प्रकाश द्वारा लिखा गया था और 20 दिसंबर 2020 को जयशंकर विदेश मंत्री द्वारा जारी किया गया था। कब किया गया था जारी, कब किया था? 20 दिसंबर 2020 में क्या किया गया था? जारी किया गया था। तो दोनों बात स्पष्ट होना चाहिए। यह प्रेम प्रकाश की पुस्तक है, ठीक, जी हाँ। यह एशियन न्यूज इंटरनेशनल के अध्यक्ष हैं प्रेम प्रकाश, ये लिखे थे और विदेश मंत्री जयशंकर ने 20 दिसंबर 2020 को जारी किया था, ठीक है। हाँ, थोड़ा तेज पढ़ रहे हैं क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करें, लाइक करें, संख्या कम है तो फिर अपना माथा कितना फोड़े हैं। प्रथम पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूर संचार कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? जल्दी से कमेंट कर बताइएगा। देखिए, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा श्रीनिवास कड़म होगा। क्या होगा? श्रीनिवास कड़म होगा। ब्रांड सी मोबाइल के तहत एक लागत प्रभावी अनुकूलित तकनीक के समाधान विकसित करके उनके योगदान हेतु प्रथम पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए चुना गया था। इसका उपयोग गहरे समुद्र में संचार के लिए, केरल तट पर काम करने के लिए मछुआरों को संचार की सुविधा देने के लिए, मौसम चेतावनी देने के लिए किया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी राइट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या नहीं है ना? चलिए अगला सवाल, प्रश्न नंबर 13 आपके सामने। 13 क्या कह रहा है? 13 कह रहा है किस आर्किड को दुनिया का सबसे पुराना आर्किड नाम दिया गया? किस आर्किड को दुनिया का सबसे पुराना आर्किड का नाम दिया गया? जल्दी कमेंट कर बताइएगा। चलिए देखिए, इस प्रश्न का उत्तर होगा गैस्ट्रोडीन या अग्निकेलस, ठीक। यह मेडागास्कर में स्थित है। कहाँ पर? जैसे अगर आप अफ्रीका महाद्वीप देखेंगे, इस तरह से अगर आपने, यह मेडागास्कर है, ये अफ्रीका महाद्वीप है और यहाँ पर आपका ये मेडागास्कर है। तो जो मेडागास्कर में गैस्ट्रोनिडा एग्लिनिकेस पत्तियाँ नहीं होती, ये ऊनी ट्यूबनुमा तने में उगती हैं, इसे दुनिया का सबसे पुराना आर्किड का नाम दिया गया। यह अपने जीवन का अधिकांश भाग भूमिगत रूप में व्यतीत करता है, केवल फूल या फल का उत्पादन करता है। यह पोषण के लिए कवकों पर निर्भर रहता है। इसमें अन्य प्रकाश संश्लेषण उत्तक होते हैं। अगला है, विश्व अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। सभी लोग कमेंट करके बताइए, यूनिक प्रश्न है। मत शेयर करिए यार, मत लाइक करिए, ईमानदारी से पढ़ लीजिए, ठीक है। देखिए, प्रश्न नंबर अगर 14 की हम बात करें, इस प्रश्न का जवाब होगा 18 दिसंबर। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत में अल्पसंख्यकों को सामने आने वाले मुद्दों को केंद्रित करता है। यह संयुक्त राष्ट्र ने धर्म, भाषा, जाति के आधार पर अल्पसंख्यकों को अधिकारों पर वक्तव्य प्रसारित किया था। कब? 18 दिसंबर 1992। तब से यह भारत में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा मनाया जाता है, ठीक। अगला है आपके सामने, शायद आपको दिख रहा होगा, नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फॉर द फाइनेंशियल सिस्टम का मुख्यालय कहां पर है? जल्दी कमेंट करके बताइए, जल्दी कमेंट करके बताइएगा सभी लोग। एकदम थकावट लग जाती है, लगातार क्लास, एक मिनट की भी फुर्सत नहीं है, जरा सा भी तबीयत नहीं सही है, लेकिन आपकी रेगुलरिटी ना टूटने पाए इसलिए मैं लाइव आ गया। यह वीडियो आप फेसबुक पेज और यूट्यूब दोनों पर देख रहे हैं। कारण यह है कि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते, खेत में नहीं। बहुत सारे लोग अच्छे इस क्लास का, उनके लिए मुझे लाइव आना पड़ जाता है। तो देखिए, यहाँ पर है नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम पेरिस। कहाँ पे? पेरिस, ठीक है। हाँ, अगला है, यूनेस्को ने हाल ही में किस देश की
हाकर संस्कृति को मान्यता दी। बताइए यूनेस्को ने हाल ही में किस देश की हाकर संस्कृति को मान्यता दी? जर्मनी, स्पेन, सिंगापुर, फ्रांस। देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा सिंगापुर। प्रश्न बैंक तैयार करना, उनके आंसर कुंजी तैयार करना, उनकी व्याख्या तैयार करना इतना आसान नहीं होता, 24 घंटा हमारे पास भी होते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शिक्षा वैज्ञानिक संस्कृति संगठन यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत के प्रतिनिधि सूची सिंगापुर में हाकर संस्कृति में शामिल किया। इस सूची में योग, चीनी सुलेख और फ्लेमेका को भी शामिल किया गया था। किस संगठन को इस पांच क्षेत्र में वर्ष 2020 के लिए गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जल्दी से कमेंट करिएगा और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे कमेंट करके जरूर इस प्रश्न की व्याख्या करेंगे। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। योगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से इस्पात क्षेत्र में 2020 के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार पर्यावरण उपायों में प्रदूषण नियंत्रण सुविधाओं के उन्नयन, उपचार और व्यक्तिगत इकाइयों के संगठन के लिए दिया जाता है। ठीक है, अगला है आपके सामने प्रश्न नंबर 18। ध्यान से देखिएगा सभी लोग। यहां पर है कि भारतीय रिजर्व बैंक जिसे आरबीआई कहते हैं का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा राष्ट्रीयकरण कब हुआ। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। एक अप्रैल 1935 को स्थापना हुआ था। क्या हुआ था? स्थापना हुआ था, लेकिन यहां पर राष्ट्रीयकरण पूछा है तो ये कब होगा? ये होगा राष्ट्रीयकरण। तो राष्ट्रीयकरण इसका कब हुआ? 1949 में हुआ। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी होगा। राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 को हुआ, आजादी के बाद। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा क्या होगा? 1949 होगा। स्थापना पूछेगा तो ए, राष्ट्रीयकरण पूछेगा तो सी। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा वरना इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। अगला सवाल है, शीतकाल में जब झील के ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जीव कैसे जीवित रहते हैं? कमेंट करके बताइए। इसका 1949 होगा, याद रखिएगा। ठीक, आपके लिए यही क्लास इसीलिए चलाई जाती है ताकि कंफ्यूजन आपका दूर रहे, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। देखिए जब शीतकाल में पानी जैसे झील है, इस झील के ऊपर अगर यहां पे बर्फ जम जाए तो ठीक यहां पर 4 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा। पानी गतन 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, इससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। मतलब जब ठंडी में झील की ऊपरी परत पर 0 डिग्री सेल्सियस ठंडा होने पर बर्फ बन जाता है, लेकिन नीचे 4 डिग्री सेल्सियस द्रव अवस्था में रहता है। इससे झील या तालाबों बर्फ के नीचे पानी रहता है जिसे मछलियां, अन्य जीव जंतु जीवित रहते हैं। इसलिए प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह आपका डी राइट आंसर होगा। डी क्या होगा? सही जवाब होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे? ठीक, यार वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। ये इतनी आसान नौकरी नहीं जितना आप समझ रहे हैं। जी हाँ, ये अधिकारी बनने से कम नहीं होगा। मेहनत करिए, कर भला तो हो भला। अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर की क्षमताओं में शामिल किया गया। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट कर बताइए अपाचे, अपाचे जल्दी से कमेंट कर बताइएगा। दागो और भूल जाओ प्रक्षेपास्त्र है, ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, ये टैंक रोधी है, ये हवा से हवा मार करता है, ये आलप दीज है,
उपयुक्त सभी प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला, नासा के बीच कटवे संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। कैनेडियन स्पेस एजेंसी, यह ऐतिहासिक समझौता है जो कनाडा लूनर गेटवे स्पेस स्टेशन का एक हिस्सा होगा। इस संधि के तहत कैनाडॉन 3 एक नया रोबोट आर्म कर्नाटक द्वारा योगदान किया जाएगा। अगला अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सा देश 1 जनवरी 2020 से पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से बाहर हो गया? जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा इक्वेडोर। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। यह 1 जनवरी 2020 से ओपेक की सदस्यता छोड़ दी। ओपेक का मुख्यालय कहां पर, किसी को पता है? ओपेक का मुख्यालय किसी को पता है जो लोग लाइव देख रहे हैं, जल्दी कमेंट कर बताएं। वियना में है। वियना कहां है? ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रिया में कहां पर है? ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, इसमें कितने सदस्य देश हैं? अब 13 हैं, पहले कितने थे? 14 थे, एक निकल गया, अब कितने बचे? 13 बचे। इसके पहले कतर भी निकला था, कतर इसके पहले निकला था। कतर कब निकला था? कतर भी पहले 15 थे, माइनस एक हुआ 14। कतर कब निकला था? किसी को पता है? ये भी 1 जनवरी 2019 को कतर निकल गया था। फिर इक्वाडोर निकला, अब कितने हैं? 13 देश हैं। इसकी राजधानी वियना या ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बहुधा समाचार पत्र में रहने वाली वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का मुख्यालय कहां पर है? वित्तीय कार्यवाही बल का मुख्यालय कहां पर है? पेरिस फ्रांस में है। कहां पर है? पेरिस फ्रांस में है। यह एक अंतर सरकारी निकाय है। इसकी स्थापना 1989 को किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली में मापदंड निर्धारित करना, धन शोधन, आतंकवादी वित्त पोषण खतरों से निपटने के लिए बनाई गई थी। वर्तमान स्थितियों के अनुसार शनि के कितने चंद्रमाओं की खोज की गई? चंद्रमा का मतलब है उपग्रह होता है। उपग्रह की खोज की जा चुकी है। बताइए जल्दी फटाफट कमेंट करके, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं यार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपको कहना पड़ता है, आप सरकारी शिक्षक बनने जा रहे हैं, इतनी मेहनत की जाती है, आप लोगों तक पहुंचाइए। ऐसा करिए ताकि हम और क्लास आपकी बढ़ा दें, हम आपके लिए और मेहनत करें। बस साथ देना है आपको, और खुद से बैठ के घर बैठ के पढ़ना है। यहाँ चिल्लाना पड़ता है लगातार, अब तो बैठ के सुनते जा रहे हैं खाली। देखिए अब कितने हो गए? 82 हो गए। पहले कितने थे? 62 थे, फिर 20 बढ़ गए। कब बढ़े? ये 8 नवंबर 2019 को। अब शनि कुल 82 चंद्रमा हो गए। यह सौरमंडल किसी भी ग्रह के चंद्रमाओं की सर्वाधिक संख्या है। इसके पहले बृहस्पति थे। बृहस्पति कितने थे? 79। बृहस्पति 79 थे ज्ञात। इस प्रकार अब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी, चंद्रमा सबसे ज्यादा हो गया, वलय वाला ग्रह। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? मृचा के कारण क्या होती है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। देखिए ऑनलाइन या क्लास के संबंध में अगर कोई जानकारी चाहिए तब इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यह क्लास जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से आपके लिए निःशुल्क देश हित में उपलब्ध कराई जा रही है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करिएगा मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं। ठीक, बताइए जल्दी से कमेंट करके। यहां पर होता है, सभी लोगों ने सही बताया, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृगरिचा, मृग मरिचिका।
ठीक है, यहां पे जो मृच्छा होती है एक प्रकार का दृष्टिभ्रम होता है। ठीक, चलते हैं आगे, चलते हैं, इसमें ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्या व्याख्या करें, आपकी संख्या देख के तो कलेजा ठंडा हो जाता है। आगे देखते हैं, इसरो ने चंद्रयान 2 मिशन के लिए चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव को क्यों चुना, बताइए जल्दी से कमेंट करके, क्यों दक्षिण ध्रुव को चुना। दक्षिण ध्रुव में क्रेटर है जिसमें प्रारंभिक सौर प्रणाली से जीवाश्म साक्ष्य है, चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव की तुलना में किफायती था, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर ठंड कम थी अतः यहाँ प्रयोग का संचालन सुविधाजनक था, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी का न होना। देखिए, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव अनेक क्रेटर, बीवर या गर्त थे, इससे प्रारंभिक सौर प्रणाली के जीवाश्म साक्ष्य हैं। क्रेटर अरबों वर्ष से सूर्य के प्रकाश के अछूते रहे और जो सौर प्रणाली की उत्पत्ति के अक्षुब्ध अभिलेख उपलब्ध करा सकते हैं, इसलिए चंद्रयान 2 मिशन के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को चुना गया था। ठीक है, अगला सवाल, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्र अधिकार से संबंधित है, बताइए। जल्दी से कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का जवाब सभी लोग दीजिएगा। अगर ये प्रश्न का जवाब नहीं दे पा रहे तो पढ़ना बेकार है, 134A को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना, क्या सही है, बताइए जल्दी से कमेंट करके। आइए देखते हैं कैसे। अनुच्छेद 132 के अनुसार किसी उच्च न्यायालय की सिविल दंड या अन्य कार्यवाही में किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी, जबकि अनुच्छेद 133 में केवल सिविल विषयों की अपील से संबंधित है, लेकिन 134A की अगर हम बात करें तो उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र का उल्लेख करता है। इस प्रकार संवैधानिक विवाद में 134A को अनुच्छेद 132 के साथ मिलकर पढ़ने पर सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार का सृजन होता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, प्रोटेम स्पीकर का क्या कर्तव्य होता है, प्रोटेम स्पीकर का क्या कर्तव्य होता है। देखिए, नव निर्वाचित सदन में जो लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर के चुनाव से पहले सदन को सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य को हम प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुनते हैं, जो नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है, तब स्पीकर का चुनाव तक सदन की अध्यक्षता भी करता है, बताइए क्या होगा इसका। अब इतना मैंने व्याख्या कर दिया, अब उत्तर नहीं बता पाएंगे, सदस्यों को शपथ दिलाता है। ठीक है, जिसको साफ नहीं दिख रहा है, वीडियो की क्वालिटी यहां से जाकर बढ़ा ले, वीडियो पूरी तरह से आपको HD में दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक, वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। अगला है, भारत का उपराष्ट्रपति कहां कहा गया, भारत का उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। जी हां, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इस प्रश्न में क्या होगा। देखिए, टेलीग्राम पे सभी लोग जुड़ जाएंगे, दुर्गेश सर सर्च करके, ई लर्निंग पे दुर्गेश पर सभी लोग। देखिए यहां पर क्या होगा, भारत का द्वितीय उच्चतम पदाधिकारी है, क्या होगा जल्दी कमेंट करिए आप लोग। जी हां, उपराष्ट्रपति के पद के संबंध में कोई औपचारिक कार्यदायित्व तो नहीं है। जी हाँ, वो राष्ट्रसभा के पद सभापति के रूप में है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है, सही बात है। राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति कार्य के रूप में करता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ये सभी, माने चारों इसका राइट आंसर होगा। ठीक, क्या होगा, चारों इसका सही जवाब होगा, समझ में आया आप लोग। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया, बताइए। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर।
देखिए, इस प्रश्न का सही विकल्प अगर हम देखें तो होगा मुफ्त कानूनी सलाह। यह संविधान में बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया, भाग चार में। ठीक 39 को भी गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सलाह का भी प्रावधान किया गया। अगला सवाल आपके लिए है, ध्यान से अगर देखेंगे तभी कर पाएंगे। ए और बी कवि और विद्यार्थी हैं, ठीक है? अगर इसको हम लोग हल करेंगे तो कैसे हल होगा, आइए देखते हैं। जैसे ए है और बी है, ये कवि भी हैं, ध्यान से देखते हैं हम लोग कैसे हल किया जाए। यहाँ हम लोग ए बना लेते हैं, यहाँ पे बी बना लेते हैं, ये कवि हो गया और विद्यार्थी है। देखिए यहाँ हम लोग को कवि हो गया, ये विद्यार्थी हो गया, तो ए और बी क्या है, कवि भी हैं और विद्यार्थी भी हैं। ठीक, ए और बी कवि विद्यार्थी, बी और सी पहलवान है, बी यहाँ पे पहलवान लिख लेते हैं, तो सी क्या है, पहलवान भी है, और बी भी क्या आपका पहलवान भी है। ठीक है, फिर कह रहा है डी और सी विद्यार्थी और व्यापारी है, डी और सी विद्यार्थी हैं, डी और सी, सी ही विद्यार्थी है, डी भी क्या है, विद्यार्थी भी है, और साथ में क्या है, व्यापारी, तो यहाँ व्यापारी बना लेते हैं। अब व्यापारी क्या होगा, सी और डी दोनों व्यापारी हो गए। फिर कह रहा है ए और ई समाज सेवी है, समाज सेवी हमने बना लिया, ए भी है और ई भी समाज सेवी है। अब ये बताना है कि ए बी तथा डी कवि हैं, कौन कवि पहलवान और विद्यार्थी दोनों हैं, कौन कवि पहलवान और विद्यार्थी दोनों हैं, कवि भी है पहलवान भी है विद्यार्थी भी है, कवि पहलवान और विद्यार्थी तीनों कौन है, तो ये बी हो गया। क्या हो गया, बी। क्या होगा यहां पर, बी होगा, माने 31 का आपका उत्तर बी होगा। ठीक, देख रहे हैं ना, अगर हम इसको ऐसे लाइन बना दें तो ये देखिए ये जो है तीनों है। ठीक है, कवि भी है विद्यार्थी भी है और व्यापारी भी है, पहलवान है, कवि विद्यार्थी और पहलवान। ठीक है, अगला अगला सवाल है, विद्यार्थी की एक पंक्ति में राम बाएं से ग्यारहवें स्थान पर है। फिर कह रहा है सीमा दाएं से सातवें स्थान पर है, यदि अपना स्थान अदल बदल लेते हैं तो राम बाएं से 15वें स्थान पर हो जाता है। तो पंक्ति राम का जो स्थान है वो क्या है, बाएं से 11वां है, स्थान और सीमा का दाएं से 7वां है, तो ये 15वां है और प्लस 7वां है। स्थान अदलने बदलने पर क्या हो जाता है, 15वां हो जाता है, तो माइनस एक करते हैं तो ये हो जाएगा 21। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 21वां स्थान होगा। तो पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, वो है आपकी 21 है ऑप्शन में। हाँ यहाँ पर क्या होगा, 21 इस प्रश्न का सही जवाब होगा, 21 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न नंबर 33 आपके सामने है, कह रहा है कथन, कुछ पक्षी हाथी होते हैं, यह हमारा पक्षी हो गया या हाथी होते हैं, ये पक्षी हैं और ये हाथी, तो कुछ पक्षी हाथी कुछ नहीं भी होते हैं, कुछ हाथी सफेद होते हैं, कुछ हाथी जो है ये क्या होते हैं, सफेद होते हैं। अब यहां पे कह रहा है 33 कि कुछ पक्षी सफेद होते हैं, पक्षी सफेद होते हैं, जी नहीं, कुछ सफेद पक्षी होते हैं, ये भी नहीं, इधर नहीं है। इस प्रकार न तो अनुमान ए लगता है न अनुमान बी, मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी। 33 क्या होगा, डी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगली संख्या क्या होगी। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, आपके सिलेबस में है, 6 है, 24 है, 60 है। देखिए 6 है तो ये हो जाएगा
दो का क्यूब माइनस दो, 6, 3 का क्यूब माइनस 3, 3 का क्यूब माइनस 3, 27 में 3 24, 4 का क्यूब माइनस 4, 60, 5 का क्यूब माइनस 5, 120, 6 का क्यूब माइनस 6, तो कितना आ जाएगा, 6 6 216 में 6 का 210, 7 का क्यूब माइनस 7, तो 336। ठीक, इसका उत्तर क्या होगा, 336। ए इसका सही जवाब होगा, क्या होगा, ए इसका सही जवाब होगा। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? विधान सत्ता पे कौन पूर्ण नियंत्रण लगाता है बताइए, जल्दी से कमेंट कर बताइए। देखिए, विधि के समक्ष समता का अधिकार, माने कानून के सामने पूर्ण नियंत्रण। यह कहता है किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी हो, सबके लिए अधिकार लागू होता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर असिप्ता का अंत 17 में है। 15 क्या है, 16 क्या है, कॉमेंट करके बताइएगा। 15 16 क्या है, कॉमेंट करके जवाब दीजिएगा। 17 क्या, असिप्ता का अंत है। अंतरिम सरकार का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? नहीं वाला प्रश्न है, जवाब जरूर दीजिएगा। अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं है। आपको शायद पता होना चाहिए कि 2 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी। कैबिनेट मिशन योजना तक अंतरिम सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई थी। लीग के अंतरिम सरकार में शामिल होने के बाद पंडित नेहरू ने वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली खां, डॉक्टर जॉन मथाई, जगजीवन राम, सरदार बलदेव सिंह, लियाकत अली खां, गजनफर अली खां, अब्दुल रब नीतीश, श्री राजगोपाल आचारी, सी एन भाभा शामिल थे। इन में विधि मंत्री लीग द्वारा नामित जोगेंद्र नाथ मंडल थे। लीग के 5 सदस्य कांग्रेसी थे, जिसमें शरद चंद्र बोस, सफात सहमद खां, सैयद अली जहीर, इनके स्थान पर बी आर अम्बेडकर को भी अंतरिम सरकार में शामिल। इसमें कौन था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतरिम सरकार में शामिल नहीं थे। इस प्रकार इस प्रश्न का अगर 36 का जवाब देखा जाए तो क्या होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये अंतरिम सरकार में शामिल नहीं थे। अगला, चाहे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप। कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया? सभी लोग फटाफट कमेंट कर बताइए। देखिए, कैशलेस को बढ़ावा देने के लिए मई 2016 में नीरज कुमार गुप्ता समिति, नीरज कुमार की अध्यक्षता में समिति बनाई गई। इसमें 7 सदस्य थे। इसी क्रम में 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण के निर्णय के बाद 25 नवंबर 2016 केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा हेतु नीति के आयोग के सीईओ अमिताभ कांत अध्यक्षता में भी एक समिति का अध्ययन किया गया था। ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। अगर आप ऐसे प्रश्नों की तैयारी कर चुके हैं, यकीन मानिए आपके एक पद होंगे। ये दायरा दिखा रहे हैं हम कि प्रश्न ऐसे ही पूछा जाएगा। बस, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया? यह केंद्र सरकार की प्रायोजित योजना थी। यह 10वीं पंचवर्षीय योजना में 2005-06 में प्रारंभ की गई थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसका उद्देश्य भारत में बागवानी क्षेत्र का विकास, उत्पादन वृद्धि करना था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है, कमेंट करके जवाब दीजिए जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र मिले हों, उसे हम
भारत इसका एग्जाम्पल है। भारत क्या है? इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं किसके द्वारा? भारत में ट्रेजरी बिल सबसे पहले 1917 में जारी किया गया था, सबसे पहले किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। इसका मूल्य वर्ग 25,000 या उसके गुणोज्जों में होता है। इसे जारी करने का मुख्य उद्देश्य सरकार के अतिरिक्त खर्चों के लिए फंड जुटाना होता है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। हिंदू वृद्धि दर, देखते हैं इस प्रश्न का जवाब सबसे पहले कौन देता है। एकदम एग्जैक्ट बताइए, प्रोफेसर राज कृष्ण ने 1981 में सबसे पहले अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन में बोलते हुए हिंदू वृद्धि दर का प्रयोग किया था। उनके अनुसार हिंदू परंपरा जो विकास के अनुकूल नहीं है उसमें विकास के पसरे नहीं दिया जाता, इसी कारण भारतीय अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर 3.5% के आसपास बनी रहती है। राष्ट्रीय आय 3.5% के आसपास बनी रहती है। तो प्रोफेसर राजकृष्ण द्वारा उपयुक्त हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। किससे? राष्ट्रीय आय से संबंधित है। ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदू वृद्धि दर किससे है? राष्ट्रीय आय से संबंधित है। ठीक, ऐसे ही गलत करेंगे ना परीक्षा में सिलेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक, इतना आसान नौकरी नहीं है जितना हम और आप समझते हैं। ठीक, 1921 के मोपला आंदोलन की शाखा कहाँ थी? 1921 के मोपला आंदोलन की शाखा कहाँ थी बताइए जल्दी से। देखिए, अगर मोपला आंदोलन की बात करें तो बताइए जल्दी से, वरना हम आप इसकी व्याख्या करेंगे। केरल के प्रांत के मालाबार जिले के मोपला काश्तकारों ने लगानियों बेदखली को लेकर जमींदार जब चाहते उन्हें भूमि बेदखल कर देते, जब चाहते मनमाना लगान वसूलते। दूसरी तरफ खिलाफत आंदोलन भी अपनी जड़ें पसारता जा रहा था। हालात ऐसे हो गए कि खिलाफत आंदोलन एवं काश्तकारों की बैठक में फर्क करना मुश्किल हो गया। इस तरह दोनों आंदोलन एक दूसरे में समा गए। इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए होगा कि दोनों आंदोलन एक दूसरे में समा गए, यह पता ही नहीं चल रहा था। ठीक, आगे चलते हैं। पीडीएफ से ज्यादा प्रश्न को नोट कर लिया करिए और टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग भी दुर्गेश पर जुड़िए, जहां पे करंट क्लास सुबह 6:30 बजे, बाकी सभी क्लासेज पूरे दिन आपको मिलती हैं। एसएसटी की, साइंस की, मैथ की, भाषा की, आप लोग ऑनलाइन जुड़ जाइए। अगर ऑनलाइन नहीं जुड़े हो तो 6306344367 पर व्हाट्सएप करके जुड़ जाइए। ये जौनपुर जनपद के सिराज हिंद से मेरे द्वारा निःशुल्क चलती, अन्य क्लास टीचरों की चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। 1857 की क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? 10 मई। कहाँ पर? 10 मई को कहाँ पर? मेरठ में। तीसरी कैवली रेजिमेंट के सैनिकों में चर्बी कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया और खुलेआम यहां पर बगावत कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों में कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? नकारात्मक प्रश्न है। दमदमे अब खैर नहीं, दमदमे अब दम नहीं, खैर मानो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशेर हिंदुस्तान। जवाब दीजिएगा साथियों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? वह बिना साम्राज्य का सम्राट था, सही है। इब्राहिम जौक और असद उल्लाह खां गालिब उसकी कविता के शिक्षक थे, जी हाँ। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक, जी हाँ। वह 1,00,000 रुपए कम प्रतिमा ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन रूप में प्राप्त करता, यही गलत।
बहादुर शाह जफर ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्रतिमा 1 लाख रुपए पेंशन और 15 लाख रुपए उनकी पर संपत्तियों के लिए किराए के तौर पर और 1,000 रुपये पारिवारिक खर्च के तौर पर मिलते थे। इस प्रकार ये विकल्प डी आपका गलत है और डी ही आपका सही है। क्या क्या मिलते थे? 1 लाख रुपए पेंशन और ठीक उसके अलावा 15 लाख रुपए उसकी अन्य परिसंपत्तियों के किराए के तौर पर और 1,000 रुपए पारिवारिक खर्च के तौर पर मिलते थे। ठीक है, अगला, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया किसने? जल्दी से कमेंट कर बताइएगा। एकदम आसान से प्रश्न है, हलवा वाला प्रश्न है। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ना करें, लेकिन 9:30 बजे अपने मोबाइल में अलार्म जरूर लगा लें। अगर आपको जूनियर शिक्षक बनना है तो पेपर का खंड क जरूर पढ़ना है, 50 नंबर सभी के लिए अनिवार्य है। यहां होगा हुमायूं ने, किसने? हुमायूं ने। मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था चित्रकला के क्षेत्र में। मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के शासनकाल में पड़ी। अपने फारस अफगानिस्तान के निर्वासन काल के दौरान उसने मीर सैयद अली और अबू ससमत नामक 2 फारसी चित्रकारों की सेवा प्राप्त की। उसके द्वारा ही मुगल चित्रकला की शुरुआत की गई थी। उन्होंने मिलकर उन्नत कला के संगठन की स्थापना की थी। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी। ठीक है, प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां मिलान करना है, हरित क्रांति का संबंध खाद्य उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन श्वेत मत्स्य नीली उर्वरक भूरी। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी का मिलान सही रहा होगा। ये तो आसान सा प्रश्न था यार, हलवा वाला प्रश्न था। ठीक है, अगला है, भारत में मृदा अपक्षय समस्या किससे संबंधित है? जल्दी से कमेंट कर बताइएगा सभी लोग। देखिए, वनोन्मूलन से। किससे? वनोन्मूलन से। भारत के जिन क्षेत्रों में वनोन्मूलन या वनस्पतियों का नाश किया गया है वहां मृदा अपरदन बहुत तेजी से हो रहा। इस कारण पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को जकड़े रखती थी, जिससे जल तथा वायु मिट्टी का अपरदन आसानी से नहीं कर पाते। इसके अतिरिक्त पेड़ों के तने पानी के बहाव की गति को कम कर देते थे। स्थानांतरण कृषि से वनों का नाश होता है, मिट्टी कट जाती है। वेदिका कृषि क्या होती है? इसमें मृदा की अपक्षय समस्या संबंधित नहीं है, बल्कि ये मृदा अपक्षय को कम करती है। उष्णकटिबंधीय जलवायु भी मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा? केवल 2 होगा। क्या होगा? केवल 2 होगा। क्या होगा? केवल 2 होगा। किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। 48, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहां बनता है? मनुष्य की आंख में फोटोग्राफिक कैमरे की भांति चित्र बनता है। जिस वस्तु को हम देखते हैं उसे चलने वाली किरणें कार्निया और नेत्रोद के द्रोश होकर पुतली के रास्ते लेंस पर पड़ती हैं और दृष्टि पटल इसे फोकस पर कर देती है, जहां पर वस्तु वास्तविक था उल्टा प्रतिबिंब बन जाता है। तो क्या होगा यहां पर? कार्निया और नेत्रात, इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कार्निया। 48, अब क्या होगा? रेटिना होगा भाई साहब, रेटिना। प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहां बनती है? रेटिना पर बनती है। देखिए, कार्निया और नेत्रोद द्रोश को पुतली रास्ते पड़ती है और कहां पर बनती है? कार्निया से पुतली रास्ते जाती है, इस प्रकार फोकस उल्टा कर देता है, जहां पर वास्तविक उल्टा बनता है। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? दृष्टि पटल, रेटिना होगा, रेटिना होगा, रेटिना। ठीक है, रेटिना होगा। अगला सवाल 49 है। चलिए, यहाँ पे मैं, ये क्लास आपकी आखिरी है। ऑनलाइन क्लास है, नोट संबंध अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, ई लर्निंग पे दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर जुड़िएगा। सभी लोग, ये जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से आपके लिए लाइव है। मेरे द्वारा ये क्लास पूरी तरह से निःशुल्क देशित में राष्ट्रहित में है। सभी लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा, दुर्गेश सर सर्च करके, ई लर्निंग पे दुर्गेश।
कौन सी हिमालय की चोटियां पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करती हैं? पूर्व से पश्चिम, जरा बताइएगा पूर्व से पश्चिम कौन प्रस्तुत करती है? बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। देखिए अगर हम यहां पे भारत बना देते हैं, माना ये हमारा भारत है, ठीक है, काम चलो हमने भारत बना दिया अध्ययन के दृष्टिकोण से। अब अगर हम यहां से यहां पे देखेंगे, हमारा नामचा बरवा है, उसके बाद यहाँ पे कंचनजंगा है, फिर यहाँ पे माउंट एवरेस्ट है, फिर यहाँ पे नंदा देवी है। इस क्रम में अगर देखेंगे इस प्रश्न का उत्तर पूर्व से पश्चिम की तरफ अगर देखें तो यही है आपका डी, नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। जहाँ पे नामचा बरवा हिमालय सबसे पूर्वी चोटी, कंचनजंगा हिमालय भारत की सबसे ऊंची चोटी, माउंट एवरेस्ट नेपाल में जहाँ सागर माथा कहते हैं। भारत की विस्तृति क्या है? अगर अच्छांसी विस्तार की बात करें तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह इतने से कोई नहीं, अर्थात डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्या होगा? डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। जी हाँ, बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर गलत दिया है, क्योंकि भारत जो है ये उत्तरी गोलार्ध का देश है, 0 डिग्री हो गया। अगर हम भारत की बात करें तो भारत कहां पर है? भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है, और जब भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है तो यहां पर दक्षिणी और दक्षिणी हो ही नहीं सकता, ठीक। इसलिए यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। यह 50 प्रश्नों की सीरीज आपको डेली 9:30 बजे मिलती है, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अन्य क्लासेस के लिए आप लर्निंग विद रिगेश जोड़ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया था तो एक बार अपने सभी साथी मित्रों को, वीडियो अगर आपको बेहतर लगे, समझ में आए, ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा आने वाले हैं तो जरूर शेयर करिएगा। बाकी आपकी इच्छा। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप तो रेस के घोड़े हैं। मैंने पूर्ण प्रयास किया आपके प्रश्नों को विस्तृत व्याख्या के रूप में बताने का, हमने आप सिलेक्शन का आपको नजदीक पहुंचाने का प्रयास किया। फिलहाल अगर फिर भी कोई कमी रह जाती है तो भाई मत शेयर करिएगा। अगर आपकी अंतरात्मा कहती है शेयर करना चाहिए, ऑनलाइन क्लास से जुड़ना चाहिए, तब आपका मोस्ट वेलकम है। बाय बाय।